नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिले के अतिथि शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन कर बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते हैं, बीते कई वर्षों से अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर पूर्व में ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उनके द्वारा एक बार फिर बड़वानी जिला मुख्यालय पर रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपा। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बावनिया की रिपोर्ट। का नाम सर? मेरा नाम गणेश चौहान है। अच्छा, क्या है जो आज वो रैली के लिए आज आपका प्रमुख मांग क्या है? सर, हमारी प्रमुख मांग है नियमितीकरण और हाँ। दूसरा है हमारी जो मासिक वेतन है हाँ। वो हमको टाइम पे नहीं मिलता है। अभी कुल कितने माह से नहीं मिला आपको? अभी सर हमको 4 माह हो गया, अभी ये 5वां माह चल रहा है, अभी तक हमको वेतन अभी तक मिला नहीं है। तो हमको रोज स्कूल आने जाने में कम से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रोज पेट्रोल डालने की ऐसी समस्या आती है कि स्कूल जाने के टाइम पे हमको सोचना पड़ता है कि आज पेट्रोल कहाँ से डालें। पैसे तो हमको मिलते नहीं है टाइम पे, तो हमको तो स्कूल तो डेली जाना पड़ता है, तो डेली की डेली हम पैसे कहाँ से निकालें। इसलिए हमारे ये भी समस्या है कि हमको वेतन हर माह दिया जाए। सर, सैलरी का क्या होगा? चार महीने से हम सैलरी दी ना 5,000 7,000, क्या होता है फिर भी धक्का रहे? जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। अभी तनाव चैन कराओ, हमको भरमा नहीं करो। अभी तनाव चैन कराओ, हमको भरमा नहीं करो। अरे उसकी जान करानी है क्यों? तो 9:30 बजे तक सर आ जाएंगे, वेट कर लेंगे हम। 9:30 से ज्यादा। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम शंभू लोके। आज जो बड़वानी जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय किस लिए आए आप? आज हम यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। आज हमने अतिथि शिक्षक न्याय यात्रा रैली निकाल कर एक ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम एक ज्ञापन हमने दिया है कि वर्तमान सरकार अतिथि शिक्षकों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। तो हमने वर्तमान सरकार को 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि यदि 20 तारीख तक वर्तमान सरकार हमारे बारे में कोई नीति नहीं बनाती है, हमारे बारे में भविष्य बारे में नहीं सोचती है, तो हम 21 तारीख से भोपाल की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हजारों की संख्या में जाकर। अच्छा, आज जो रैली निकले उसमें एक नारा लगाया था आपने कि दिल्ली में पछताया था मामा भी पछताएगा, इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है? जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।